थोड़ा दुखद था इसलिए हंसी आ गई आप लोगों को, पूरा दिन आप बैठ जाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि एक टीचर अजीत सर का या किसी अच्छे टीचर का एक अच्छा लेक्चर है लॉकडाउन में कोरोना में, आप उसको देखिए, गिन के रखिए, तीसरे मिनट में इतना मुंह फाड़िएगा, इतना मुंह फाड़िएगा, मोबाइल कहेगा बंद करो। इतनी जवाई आएगी, राइट? तो अपडेट करके रखिएगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। अपडेटेड नहीं है इवन 24 घंटा पुराना, तो वायरस की क्वालिटी है या इसका नेचर है कि वह किसी भी फाइल के साथ चिपक के चलाएगा। वह एक फाइल फॉर्मेट के रूप में नहीं पाया जाता, वह एक बग है, कीड़ा है। कीड़ा मार्केट में नहीं मिलता, कीड़ा खरीदना नहीं पड़ता, वह आपके सेब के साथ, आलू के साथ, प्याज के साथ, सब्जियों के साथ, इवन गारमेंट्स के साथ आपके घर में दाखिल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ढील, कॉकरोच, छिपकली, मकड़ी। ये सब आ कहाँ से रहा है? दूसरे के यहाँ से ही आप में आ रहा है, और आपने आने के रास्तों पर फायरवॉल नहीं लगा के रखा हुआ है। हाँ या ना? हॉस्पिटल में आप दिखा दीजिए किसी के यहाँ मकड़ी की जाली हो। हॉस्पिटल में, किसी अच्छे हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में चले जाइए और वहाँ आप दिखा दीजिए। एम्स में चले जाइए, सफदरजंग हॉस्पिटल में चले जाइए, मैक्स में चले जाइए, आपको एक छिपकली, एक कॉकरोच और एक कोई भी बीमारी का कोई बैक्टीरिया मिलेगा। वजह, उन्होंने इसी को, ये जानते हैं कि बीमारियों का जड़ यही है, पहले इसके लिए फायरवॉल तैयार करो। तो मैंने अभी बोला फायरवॉल का मतलब है हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। हम अपने घर में हर महीने 5,000 रुपया डॉक्टर को देना पसंद करेंगे, लेकिन 50 रुपये का फेनाइल ला के पोछा नहीं लगवाएंगे। फेनाइल के कुछ बॉल्स आते हैं, कुछ और भी एंटी बैक्टीरियल बॉल्स आते हैं, जिनको अगर आप खिड़की के झड़कों पर रख देंगे, छिपकली, तितली, मकड़ी नहीं आएगी। कौन करता है सर? तो सिस्टम बर्बाद कीजिए। सो दैट इज कंटेमिनेटेड हिस्ट्री। किसी, जैसे मतलब कहने का मतलब चींटी, चींटी अलग से नहीं आएगी, चींटी फल में, सब्जी में चिपक के आ जाएगी। दैट इज बैक्टीरिया, दैट्स इन सेम नेचर। आपके किसी अच्छे हेल्दी पीडीएफ फाइल के साथ, किसी गाने के साथ, किसी वीडियो के साथ, अगर वो इल्लीगल साइट से डाउनलोड किया जा रहा है, वो साथ में आ जाएगा। खास अगर आप YouTube देख रहे हैं, बाई चांस Facebook देख रहे हैं, जो एड्स आते हैं उनके कहने पर एप्लीकेशन या कोई भी गाना या मूवी इंस्टॉल मत कीजिए, डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि वह फ्री में जो करवा रहे हैं तो इसकी कीमत आप खुद से उसूल लेगा। वो फ्री में, माँ बाप के अलावा कोई दुनिया में किसी को कुछ नहीं देता है। बात सही है कि